वैसे रनिंग के अंदर भी काफी चला सकते हैं, 6000 आरपीएम का जो सीलिंग दिया है, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा की जरूरत भी है। इट्स लाइक ऑलरेडी काफी सही है पावर, तो यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग मोर देन दैट। तो अभी मैं 5000 समथिंग आरपीएम पे हूँ। सिक्स पे अराउंड 107 या 8। एंड लेट्स चेक क्विक शिफ्टर, एंड वी शिफ्टेड नो क्लच। आई थिंक टूरिंग में बहुत मजा आने वाला है यार इस बाइक पे, एंड आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग मोर देन दिस। डाउन शिफ्ट यार ये तो बिगाड़ देगी मेरे को, मैं क्लच यूज करना बंद कर दूंगा। हाईवे मिलते ही माइलेज बढ़ रहा है गाड़ी का, दैट्स व्हाट आई लाइक, माइलेज। बाइक पेट्रोल बचाएगा मैं, ओके एक पॉइंट गिरा, अभी दिन में दिखा रहा था 2 पॉइंट गिर चुका। भाई आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा की जरूरत है, मैं रनिंग के अंदर भी काफ़ी चला सकता हूँ इसको। एंड फैन पहले दिन पे तो ऑन हो रहा था बट अभी नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या है ये। एंड फर्स्ट डे पे मेरे को विंड का थोड़ा लग रहा था, बट नाउ आई थिंक विंड भी नहीं है, विंड बफेटिंग क्या कहते हैं उसको, विंड ब्लास्ट, इट्स नॉट मच बेरेबल्स है। नेवर फेल्ट सो सेफ 98-90s पे, वैसे आवाजे में तो जान सी चली जाती थी बाइक की भी और मेरी भी, ऑलवेज ऑन एज। यार अल्टीमेट टूर है यार, आई कैन से इज ऑल्दो इट इज 3.57 ऑन रोड लखनऊ, बट प्रोडक्ट वैल्यू है भाई यार। ये मैं गाड़ी के ऊपर देख सकता हूँ उसकी छत से क्या आ रहा है ट्रैफिक वगैरह में। लेट्स सी किधर है लड़का। और ब्रदर हाउ आर यू मेरे भाई, बस न्यूट्रल ढूंढने में दिक्कत होती है। न्यूट्रल न्यूट्रल गॉट इट, नहीं क्या होता है रे। ओके फैन चला, फैन और बंद हो गया, चला और बंद हो गया, बस इतना ही है इसमें। हजार्ड है क्या? हजार्ड नहीं है, लग जाएगा उसमें क्या है। अभी नहीं करूंगा, फर्स्ट सर्विस के बाद पूछ लूंगा कि कौन सा लगा लूं। बहुत सही है भाई, इसमें वो 790 का कंसोल लगा है लाइट का। और क्या क्या है? ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल है, कॉर्नरिंग एबीएस है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है और कॉर्नरिंग एबीएस है, क्विक शिफ्टर प्लस है। मैं रास्ते में क्विक शिफ्टर मार मार के, बस अभी मतलब थोड़ा सीख रहा हूँ, तो उसमें हल्का एक्सेलेटर कम करो, फिर ABS ऑफ रोड और ऑन रोड वो दोनों है। ऑफ रोड में पीछे का बंद हो जाएगा और सामने वाला बहुत हल्का रहेगा, और ब्लूटूथ पेयरिंग तो है ही, कनेक्ट हो भी गया। कॉल में तेरे इसी से उठा, मजा आ गया भाई, कॉल डिस्कनेक्ट भी इसी से होता है। ऑडियो का क्या सीन है? ऑडियो वो अभी तेरा वो ईयरफोन लगेगा, ये बजा सकते हो, गाना चेंज कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट। अच्छा ब्लूटूथ तुम्हारा कनेक्टेड रहेगा लेकिन इससे तुम मैनेज कर सकते हो। हां इससे मैनेज कर सकते हो पूरा। नेविगेशन भी है, नेविगेशन अभी देखना है मेरे को, थोड़ा अभी हीट थोड़ी कर रही है।
बस वही है, 6 के ऊपर नहीं जाने बोला है। हाँ 6000 RPM। अरे सीलिंग 107-108 आराम से हो रही है, मैं सोचा इससे ज्यादा चाहिए क्या भाई, अगर ना भी होता तो भी मैं इससे ऊपर जाता भी नहीं, बहुत ज्यादा। और इसका जो है कंफर्ट लेवल है, वेट बहुत बढ़िया है, पूरा सेंटर पे मास, और इसका सारा मास ऐसा इधर है कॉन्सेंट्रेटेड, इनने रेडिएटर वेडिएटर वो क्या कूलेंट वगैरह भी अंदर घुसा रखा है ऐसे, वो आरसी वगैरह में आगे था, ड्यूक में आगे था शायद, इसमें नीचे घुसा रखा है, बैटरी भी इधर है, मतलब ट्राई किया पूरी बॉडी को। 3.57 कैश पे पड़ती, फाइनेंस पे 4 है। वर्थ इट है, मतलब वैसा अफसोस नहीं हुआ कि ये ले लेता वो ले लेता, सिंगल है लेकिन डिलीवरी अच्छी है इसकी, बहुत बढ़िया है, बहुत मेरे हाइट के लिए तो और अच्छी है। कंट्रोलिंग मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि थोड़ा बड़ी है बाइक, मुझे भी फील हो रहा है ये खींचेगी आराम से जाएगी ये इसकी व्हीलीज, वही मेरा तो वही है स्पीति में व्हीली मारने का है, आराम से आराम से, और स्मूथ है, लीनियर है, ये झटका नहीं मारती, मतलब डोमनार और मैंने वो आरसी 390 दोनों दौड़ाई है तो उनमें बम्प नहीं आता है, एकदम स्मूथ डिलीवरी और अच्छी खासी डिलीवरी है, कॉर्नरिंग एबीएस भी, और इसका कॉर्नरिंग बहुत प्यारा है, मैं बहुत लेटा आ रहा हूँ इसको बहुत प्यार से, कुछ नहीं कर रही है, मैं बता रहा हूँ इसका कंट्रोलिंग तो कॉर्नरिंग में जाता है, मैं तो इंतजार करूँ पहाड़ों में जाने का इसको लेके। हाँ बट इतनी नहीं है जितना पैकेज दे रहे हैं, ड्यूक 390 को उठा के दिया है इनने एडवेंचर बना के, तो मुझे तो मतलब इंजन सेम है, इसका ट्यूनिंग अलग है, अभी आज सुबह इतना कीचड़ भरा हुआ था, आराम से जा रही है ये कीचड़ में, मैं गड्ढे के बीच से जा रहा हूँ, स्लश वाला गड्ढा 300-400 meters, इट डजंट केयर। अरे वाह रिकॉर्डिंग भी ऑन थी, केटीएम और वाले फील्ड कभी दोस्त नहीं हो सकते, अबे काइंड नहीं हो सकते। इसको बगल में मेरे को देखना है, हाइट किसकी ज्यादा है इसकी, वो तेरी मस्त है भाई पीछे, ओहो ओहो कौन सा फोन है भाई, वन प्लस कौन सा 7, मेरे को भी मांगता है लाइफ में वन प्लस, अब मेरे पास है तो सॉफ्ट, हाँ और इसमें और क्या, इसमें बस रैक लगाने का है, हाँ सब लगा है, बस मेरे को ये रैक लगाना और साड़ी घर हटाना है, साड़ी का डटो में किस काम की, हाँ इसमें इसमें कौन साड़ी पहनेगा, किसी की हिम्मत नहीं, हाँ तगड़े हैं मेडसेलर टूरेंस, लो हेलमेट लगाओ, बड़ी तो है ही, आराम से रोका, इनको जाने नहीं गया, ये क्या हुआ इसके मीटर को, ऊट ऊट टहला रहे भाई, तो हिमालयन भी क्रूज कर रहे हैं साथ में, अभी इसका कंपैरिजन टेस्ट कर लेंगे,
देखा हिमालयन जैसे ये फ्लिकेबल नहीं है, देख फ्लिकिंग कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है, जैसे हिमालयन हैवी फील होती है। बहुत कह दो रहा हूँ कॉन्फिडेंस नहीं बाइबर है। थाम्बा थाम्बा न्यूट्रल होती भी नहीं है, फर्स्ट पे लगाओ, वो करने में थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, है ना इसमें वही तो है। नहीं उसको आप अपोजिट साइड में खींच दो, तेरे से न्यूट्रल नहीं लग रहा था, थोड़ा है हल्का सा पैर दबाना पड़ता है। नाउ इट फीलिंग बहुत डिफरेंट फील हो रहा है भाई। ओह अरे हिमालयन के जज्बात इसको चलाने में बहुत डिफरेंट फील आ रहा है भाई। पहले तो क्लच इतना लाइट फील हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बड़ा डिफरेंट फील हो रहा है यार, तुरंत तुरंत बाइक चेंज करी है ना। अच्छा इसमें स्टॉक लगा है, स्टॉक आवाज अच्छी करता है। ये तो पता है BS6 मतलब आवाज तो नहीं आनी, साइलेंट किलर भाई साहब, साइलेंस में जीने का मौन व्रत। सब मामूलो क्यों लगा हुआ है इतना आज, पता नहीं हर जगह मामूलो लगा हुआ है। I don't want no beef with them. इतना चक्कर घूम लेगा मैं। अरे दिव्य अरे वाह वी फाउंड दिव्य आल्सो भाई मेरे। ओहो लड़के क्या कैसे को कंफर्ट है, मैं एक हाथ से चला सकता हूँ, एक हाथ ऐसा छुपा के रखूंगा, इधर ठंड लग रहा है। क्विक शिफ्टर है, अबे ठंड हो रही है भाई, हवा चल रही है। Well, now I'm able to find neutral easily. ऐसा दिक्कत नहीं कर रहा। चलते हैं यहां से। तू अपनी लाइट ऑन कर फॉग। ओहो वाह ब्लाइंड हो रहा है मैं।
ठंड लग रही है यार। मैं शहीद पथ से, तुम लोग किधर से? इधर से आगे फिर मैं लौट लूंगा। चलते बाय। सेम चलो, दैट वाज फन।